आपको बताऊंगा कि आप गूगल बैकअप के जरिए अपने मोबाइल के डेटा को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे गूगल बैकअप के जरिए फोटोज को, वीडियोस को, ईमेल्स को एंड डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर कर सकते हैं, यानी आप कैसे इसको बैकअप पर रख सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड बहुत ही सिंपल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक वॉच करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जिस प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, अगर आप उस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से गूगल बैकअप कर सकते हैं। पहले आप अपने मोबाइल का डेटा ऑन कर देंगे, इसके बाद आप जाएंगे सेटिंग्स पर, इसके बाद आप ऊपर सर्च करेंगे बैकअप। बैकअप सर्च करने के बाद आप ऊपर बैकअप एंड रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर बैकअप माई डेटा पर क्लिक करके इसको यहाँ पर इनेबल कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ से बैक कर जाएंगे। बैक आ जाने के बाद आप जाएंगे गूगल फोटोज़ पर। गूगल फोटोज़ पर जाने के बाद आप यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आप यहाँ पर फोटो सेटिंग का एक ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप ऊपर बैकअप एंड सिंक का ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर भी मेरे मोबाइल की तरह डिसेबल होगा, तो आप यहाँ पर इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि 15 GB का टोटल बैकअप है, तो आप जब भी वाईफाई से अपने मोबाइल को कनेक्ट करेंगे तो यहां पर ऑटोमेटिकली बैकअप लेना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने मोबाइल का डेटा यूज़ करके भी बैकअप यहां पर दे सकते हैं, तो इसके लिए आप यहां पर मोबाइल डेटा यूसेज पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहां पर लिमिट सेट कर सकते हैं कि डेली आपको कितने MB का बैकअप देना है, तो आप यहाँ पर 30 MB सेट कर सकते हैं, 10 MB या 5 MB भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर अनलिमिटेड भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको बैकअप वाइल रोमिंग का ऑप्शन इनेबल कर देना है, लेकिन मुझे मोबाइल डेटा यूज़ करके बैकअप नहीं देना है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको डिसेबल ही छोड़ दूँगा। इसके बाद यहाँ से मैं इसको बैकअप आ जाऊँगा। बैकअप आ जाने के बाद मैं जाऊँगा सेटिंग्स पर। सेटिंग्स पर जाने के बाद स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं कि अकाउंट एंड सिंक का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ऑटो सिंक डेटा को यहाँ पर इनेबल कर देंगे एंड वाईफाई ओनली को इनेबल कर देंगे। अगर आप अपने मोबाइल से बैकअप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वाईफाई ओनली को डिसेबल कर देंगे। अगर आपको वाईफाई के इंटरनेट से बैकअप देना है तो आप यहाँ पर इसको इनेबल ही रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आप गूगल का एक अकाउंट देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप जिस ईमेल एड्रेस को यहाँ पर गूगल बैकअप के जरिए सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत टाइप का डेटा है यहाँ पर, जैसे देख सकते हैं कि आप कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स, ड्राइव, जीमेल, गूगल प्ले मूवीज़, पीपल डिटेल्स। तो आप यहाँ पर जिसका भी बैकअप रखना चाहते हैं उसको यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे, जिसका बैकअप नहीं लेना चाहते उसको डिसेबल कर देंगे। तो यहाँ पर मुझे कैलेंडर का एंड पीपल डिटेल्स का बैकअप नहीं लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डिसेबल कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद सिंक नाउ पर क्लिक कर देंगे। इससे आपके मोबाइल का जितना भी डेटा है वो सारा सिंक हो जाएगा। इसका मतलब आप जब भी वाईफाई से कनेक्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल का डेटा बैकअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस के बाद आपके मोबाइल का गूगल बैकअप 90% प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आप जब भी वाईफाई से अपने मोबाइल को कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली गूगल बैकअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बाद तो आप जब भी न्यू मोबाइल पर स्विच करेंगे या तो अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट देंगे, इसके बाद आप जब भी अपने मोबाइल पर अपने ईमेल आईडी को लॉगिन करेंगे तो आपका सारा डेटा ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पर रजिस्टर हो जाएगा। तो इसके मदद से आप बहुत ही आसानी से अपने डेटास को सिक्योर कर सकते हैं, जिसके मदद से अगर आपके फ़ोन खो जाए तो आप न्यू मोबाइल पर स्विच करके ये सारा डेटा को रिकवर कर सकते हैं।